हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए 19x45 19x45 का हाउस प्लान लेकर आया हूँ, जो कि 3D हाउस प्लान है। इसका टोटल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यह 855 स्क्वायर फीट है। इसमें हम जो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं वो है 3 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन और कार पार्किंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट आएगी 8 से 9 लाख रुपए के बीच में। प्लान में किस तरह से डिटेल है उसकी भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। प्लान डिटेल में हम एक मास्टर बेडरूम दिखा रहे हैं आपको, जो कि टॉयलेट के साथ अटैच है। एक बेडरूम नंबर 2 है और एक बेडरूम नंबर 3 है। एक ड्राइंग एरिया है विद डाइनिंग एरिया। एक कवर्ड किचन है, एक कॉमन टॉयलेट है, एक पोर्च दे रहे हैं जो कि कार पार्किंग के साथ है। प्लानिंग किस तरह से है आइए हम जान लेते हैं। चलिए देखिए, ये है हमारा पोर्च एरिया। पोर्च एरिया इसमें हम जो है आपको एक ब्लू कलर की कार रखी हुई दिखा रहे हैं। ये कार पार्किंग है, इसमें हमने इतना बड़ा पोर्च दिया है कि इसमें आप कार आराम से पार्क कर सकते हैं। इसमें एक हमने स्टेयर केस दी हुई है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। हमने इस प्लानिंग में फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग आपको नहीं दिखाई है, केवल ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग आपको दिखा रहे हैं। ये जो स्टेयर है वो येलो मार्बल से बनाई गई है। उसके बाद इसमें जो है हमने पोर्च में टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि पोर्च टाइल्स के नाम से स्पेशल टाइल्स आती हैं, जो पोर्च टाइल्स के नाम से मिलती हैं, जिसमें किसी प्रकार की गाड़ी फिसलती नहीं है। उसके बाद यहाँ हमने एक रैंप दिया हुआ है जो कि 1 साइड रैंप है, और हमने इसमें 3 स्टेप दिए हुए हैं जिसमें घर के अंदर से हम आ सकते हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज़ है 9x18.5 9 फुट इसकी चौड़ाई है और 18 फुट 6 इंची इसकी लंबाई है। इसमें हम आराम से हैचबैक मॉडल की कार पार्क कर सकते हैं। फ्रंट में देखने से ये कैसा दिखेगा उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, फ्रंट में हमने जो है स्टोन क्लैडिंग का यूज़ किया हुआ है। स्टोन की क्लैडिंग है जो आप देख रहे हैं इस तरह से, और इसके बाद हमने आगे गार्डन शो किया हुआ है। 3 स्टेप दिए हुए हैं जो कि हमें अंदर ले आते हैं। एक साइड में हमने जो है रैंप आपको दिखाया हुआ है, जो कि गाड़ी के लिए हमने अलग से सेपरेट बनाया है। अब चलते हैं हम अपनी स्टेयर की डिटेल की तरफ। ये है हमारा स्टेयर केस जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रहा है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 3.5 फीट चौड़ा है, और राइजर की अगर हम बात करते हैं तो ये 7 इंची का है, और ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो ये 10 इंच का है। मतलब 7-10 का ये राइजर एंड ट्रेड बनते हुए हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ले जाता है, और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 3.5 फीट की चौड़ाई हमने रखी है। अब हम चलते हैं इसके ड्राइंग रूम की तरफ, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की तरफ। देखिए, ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। इसमें हमने एल शेप में एक सोफे का यूज़ किया हुआ है जो कॉर्नर टेबल के साथ है। इसमें हमने एक ग्लास टेबल का यूज़ किया हुआ है। इसके बिल्कुल ठीक सामने हमने एक ओपन वॉल छोड़ दी है जो आप TV के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने एक डाइनिंग टेबल का भी यूज़ किया है जिसमें 4 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। उसके बाद भी हमें काफ़ी स्पेस ऐसा मिल रहा है जिसमें से हम जो है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकते हैं। इसमें हमने डबल डोर का यूज़ किया हुआ है। पोर्च से अगर हम एंट्री करते हैं तो ये डबल डोर है, डबल डोर से हम अंदर एंट्री पाते हैं। इस डबल डोर की जो चौड़ाई है वो 3.5 फीट हमने इसकी चौड़ाई रखी हुई है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज़ है 9x16 फुट 9 फुट इसकी चौड़ाई है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है ये 9 फुट है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो चौड़ाई है वो 16 फुट है। इसमें हमने फ्लोरिंग में वाइट मार्बल का यूज़ किया हुआ है जो कि ब्लैक स्पॉट के साथ है। कलर की अगर हम बात करते हैं दीवारों के, तो हमने इसमें लाइट ग्रीन कलर इसमें हमने दिया हुआ है। आगे हम किचन की भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये है हमारा किचन। किचन का प्लेटफॉर्म हमने एल शेप में दिया हुआ है, जिसमें हमने एक साइड में गैस दी हुई है और एक साइड में हमने जो है सिंक दिया हुआ है। सिंक जो है बिल्कुल ठीक विंडो के सामने रखा है। ये विंडो है जो कि हमें बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये यहीं से हम देख सकते हैं। किचन में से ही हम जो है किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रख सकते हैं। और ये हमारा जो है ब्लैक मार्बल है हमारा, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है। इसके नीचे हमने फर्नीचर शो किया हुआ है, और फ्लोर पे हमने वही जो हमने ड्राइंग एरिया में लगाया था वही मार्बल का पैटर्न हमने इसमें भी दिया हुआ है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये चौड़ाई में ये 6.5 फिट है, और लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 9 फिट है। 6.5x9 का ये हमारा किचन है। इसके नीचे हमने फर्नीचर शो किया हुआ है। इसमें अगर एंट्री की हम बात करते हैं तो
तो ये हमने 3 फुट की एंट्री इसमें आने के लिए दी हुई है। ड्राइंग रूम से डायरेक्ट हमने इसमें एंट्री दी हुई है जो कि हमारी 3 फुट की एंट्री है। इसमें जो हमने विंडो दे रखी है, विंडो का साइज़ भी हमने 3 फुट दिया हुआ है। इसको हम दूसरे एंगल से भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमने दूसरे एंगल से भी आपको इसमें दिखाने की कोशिश की है कि ये एल शेप में प्लेटफॉर्म है और हमने इसमें जो एंट्री दी हुई है वो 3 फिट की चौड़ी एंट्री है और 3 फुट की ही हमने विंडो दी हुई है जो कि बिल्कुल डायरेक्शन एकदम सेम जो है फ्रंट पे दिखता है। ठीक है, इसके नीचे आप देख पा रहे हैं लाइट कलर का हमने जो है फर्नीचर इसमें शो किया हुआ। इसके ऊपर भी फर्नीचर है परंतु क्या है, अभी हम कट सेक्शन देख रहे हैं इसलिए हमें ऊपर इसमें फर्नीचर दिखाई नहीं दे रहा। आप चाहें तो इसमें फर्नीचर आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने कॉमन एरिया की तरफ। ये है हमारा कॉमन एरिया, ये हमारा कॉमन एरिया है जिसकी साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 7.5 फिट चौड़ा है और 6.25 फुट लंबा है। इसमें हमने जो है एक वॉश बेसिन का यूज़ किया हुआ है जिसे हम काउंटर बेसिन भी कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर खाना खाता है, डाइनिंग एरिया में कोई व्यक्ति खाना खाता है, एक बार इसको हम दूसरे एंगल से भी एक बार देख लेते हैं फिर समझ में अच्छे से आएगा आपको। देखिए, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से खाना खाता है तो खाना खाने से पहले अगर उसे हाथ धोना है तो वो हाथ धोने के लिए यहाँ से आएगा और हाथ धो के और फिर वापस टेबल पर पहुँच जाएगा। ये हमारा जो है काउंटर बेसिन है। हम जो है इसमें से हम पेस्टिंग करना चाहें, हाथ धोना चाहें, कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं। इसमें हमने ग्लास शो नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें ग्लास लगा सकते हैं, मतलब मिरर आप लगाना चाहें तो मिरर लगा सकते हैं। यहाँ जो हमने एंट्री दी हुई है वो आर्च एंट्री दी हुई है। इसमें हम कोई दरवाज़ा नहीं लगाते, केवल हम जो है कर्टन इसमें शो करते हैं। इसके बाद हम वापस अपने कॉमन टॉयलेट की तरफ चलते हैं। ये हमारा कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट की अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज़ है हमारा 5x8। 5 फुट इसकी चौड़ाई है और 8 फिट हमने इसकी लंबाई दी हुई है। इसमें हमने जो है डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। इसके डोर एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने 2.5 की हमने डोर एंट्री इसमें दी हुई है। वॉल पे हमने लाइट कलर के पिंक स्पॉट के साथ हमने एक टाइल्स का यूज़ किया हुआ है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है। ये हमारा बेडरूम नंबर 1, ये बिल्कुल पोर्च के बगल में है और जैसे ही हम ड्राइंग एरिया में एंट्री करते हैं उसके तुरंत बाद ही हम जो है इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसकी एंट्री जो है, इस रूम को हम एज ए गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं परंतु हमने एक ऐसे बेडरूम का नाम दिया हुआ है, इसे हमने गेस्ट रूम नहीं दिया है। आप चाहें तो इसे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। इसमें हमने जो है वुडन फ्लोरिंग का यूज़ किया हुआ है और एक साइड में हमने एक वार्डरोब का भी यूज़ किया हुआ है जिसकी चौड़ाई जो है 5 फुट है और ऊंचाई इसकी 7 फुट हमने रखी हुई है। रूम में जो एंट्री है उसकी चौड़ाई हमने 3.5 फिट रखी हुई है। यहाँ हमने डबल बेड का पलंग आपको शो किया हुआ है जिनके दोनों साइड में वाइट कलर के स्टूल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके राइट हैंड साइड में हम देख पा रहे हैं एक विंडो दिखाई हुई है जो कि बिल्कुल रोड पे खुलती है। ये 4 फुट की विंडो है और इसमें हम कूलर एसी हम जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। बेड के बिल्कुल ठीक सामने हमने जो है खाली दीवार दिखा रखी है जिस पे आप टीवी लगाना चाहें तो आप LED टीवी आप इसमें आराम से लगा सकते हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज़ है आपका, चौड़ाई में अगर बात करते हैं तो चौड़ाई में ये 9 फिट है और लंबाई में ये करीब करीब 10.5 फिट है। 9x10.5 का ये बेडरूम है जो कि हमारा गेस्ट रूम कहलाता है। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 की तरफ। ये हमारा बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 में भी हमने फ्लोरिंग में हमने वुडन का यूज़ किया हुआ है और इसमें भी हमने वार्डरोब यूज़ की हुई है। ये वार्डरोब की चौड़ाई भी 5 फुट है और एक हमने डबल बेड शो किया हुआ है जो कि दोनों साइड से स्टूल आपको देख पा रहे हैं। इसमें जो एंट्री हमने दी हुई है वो करीब करीब हमारी 3.25 फुट की हमारी एंट्री है। उसके बाद हमने इसमें बैक साइड में एक विंडो दिखाई रखी है जो कि 4 फुट चौड़ी है जो कि आप देखने में इस तरह से आपको दिख रही है। इसमें आप कूलर एसी जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो साइज़ ऑलमोस्ट सभी बेडरूम का साइज़ लगभग एक जैसा ही है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 9 फिट है और लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 10.5 फिट है। 9x10.5 का ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की जो एंट्री हमने दी हुई है वो 3.5 फुट की है और इसमें भी हमने जो है फ्लोरिंग पे वुडन यूज़ किया हुआ है और इसमें भी हमने जो है डबल बेड का पलंग आपको शो करके दिखाया है। इसके लेफ्ट हैंड की अगर हम बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे कूलर एसी के लिए काम आती है। इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फिट है और ऊंचाई का वेरिएशन अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ठीक सामने हमने एक वॉल दे रखी है जिसमें आप अपनी टीवी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हमने इसको खाली छोड़ रखा है। इसमें हमने एक अटैच टॉयलेट भी दिखाया हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं उसकी एंट्री हमारी 2.5 फिट की है। उसका साइज़ किस तरह से है उसको एक बार देख लेते हैं। मास्टर बेडरूम की अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 9 फिट चौड़ा है और 10.5 फुट इसकी लंबाई हमने रखी हुई है। इसमें हमने एक अटैच टॉयलेट करके दिया हुआ है जिसकी चौड़ाई, इसके एंट्री की जो चौड़ाई है वो 2.5 फिट है। वो किस तरह से है उसको एक बार देख लेते हैं। ये हमारा अटैच टॉयलेट जो कि हमें मास्टर बेडरूम से एंट्री इसकी मिलती है।
इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 5x6 का हमने टॉयलेट दिया हुआ है, 5 फुट चौड़ा है और 6 फुट इसकी हमने लंबाई दे रखी है, जो कि ये मास्टर बेडरूम से अटैच है। एक बार हम अपने पूरे प्लान का रिव्यू एक बार ले लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा पोर्च एरिया है, इसमें हमने ब्लू कलर की कार आपको दिखाई हुई है और येलो कलर के मार्बल से हमने जो है स्टेयर शो की हुई है, जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर की तरफ हमें ले जाती है। यहाँ से हमने जो एंट्री दी हुई है वो डबल डोर एंट्री है, जो कि हमें ड्राइंग रूम की तरफ ले जाती है। ये हमारा ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग एरिया में भी हमने एक विंडो आपको दिखाई हुई है। इसके बाद हम देखते हैं इसके राइट हैंड साइड में, ये हमारा किचन एरिया है जो कि हमें एल शेप में प्लेटफॉर्म के साथ मिलता है। इसमें जो एंट्री है वो 3 फुट की है और इसमें भी हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारे मेन गेट की तरफ हमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो दिखाती है। इसके बगल में ही हमने एक बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, जो कि हमारा गेस्ट रूम है। इसमें भी हमने फ्लोरिंग में वुडन यूज़ किया हुआ है और डबल बेड का पलंग आपको दिखाया हुआ है। इसके बाद हम कॉमन टॉयलेट को देखते हैं। कॉमन टॉयलेट है ये हमारा, ये हमारा कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया में हमने काउंटर बेसिन का यूज़ किया हुआ है, जो कि डाइनिंग एरिया पर खाने वाले व्यक्ति के हाथ धोने के काम आता है। फिर बात करते हैं हम अपने बेडरूम नंबर 2 की। ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है, इसके बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का पॉइंट दिया हुआ है और ये डबल बेड हमने इसमें शो करके दिखाया हुआ है। इसमें भी हमने जो है फर्नीचर दिखाया है और इसमें हमने लेफ्ट में जो है हमने एक विंडो दिखाई हुई है, जो कि 4 फीट चौड़ी है। फिर चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, इसमें हमने टॉयलेट अटैच करके दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें जो एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी है और इसमें जो एंट्री है हमारी 2.5 फीट की चौड़ी है। विंडो की अगर हम बात करते हैं तो ये विंडो हमारी 4 फीट चौड़ी है और देखने में प्लान बहुत सुंदर और खूबसूरत लग रहा है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।